जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउट एंड डिफेंस के लाइव सेशन में। मैं हूं अंजनी कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ की इस क्लास में सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, 6 से 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं आपके एनडीए में, ठीक है। तो कभी 5, कभी 6, कभी 7 इस तरह से आपसे क्वेश्चन सेट थ्योरी से पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपका, ठीक है। तो फटाफट से यार सभी बच्चे लोग क्लास को ज्वाइन कर लें और स्टार्ट हो चुकी है आज का आपकी मैथ की क्लास, ठीक है। तो जो भी बच्चे आ चुके हैं एक बार क्या करेंगे, सभी अपने फ्रेंड्स को क्लास का लिंक शेयर करेंगे, है ना। चलो तो काफी बच्चे लोग आ चुके हैं। लॉफी लॉन्ग, हाय मुकेश यादव, जयसवाल जी, अमन कुमार, जैन बेटा, जैन जैन सभी बच्चों को। तो सभी बच्चे लोग यार एक बार क्लास का लिंक जो है ना अपनी सभी ग्रुप्स जो भी आप लोग पढ़ रहे हो सभी फैला दो कि भैया डिफेंस की तैयारी बहुत तगड़े से हो रही है यहाँ पर, है ना, डाउट एंड डिफेंस में। तो आप सभी को बता देता हूं कि यहाँ पर डाउट एंड डिफेंस फिलहाल अभी 3 क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। तो वो 3 क्लास की जो टाइमिंग है आपकी 6 से 7 मैथ की होगी, 7 से 8 आपकी फिजिक्स अशोक सर पढ़ाएंगे और 8 से 9 आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी मलिक सर के द्वारा, ठीक है। तो आज हम लोग अभी फिलहाल 6 से 7 पढ़ते हैं मैथ और मैथ में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी। तो बात कर लेते हैं आज हम लोग की सेट थ्योरी में क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। तो समुच्चय सिद्धांत में सबसे पहले हम लोग बेटा इंट्रो जानेंगे आप कि सेट थ्योरी है क्या बेसिकली, है ना। और यहां पर आज इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले सेट्स जो होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है, कितनी विधियां हैं प्रेजेंट करने की। उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चयों के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आज की क्लास में कवर होंगे। तो सभी बच्चे लोग बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल मन लगाकर क्लास को देखना है और कॉपी पेन साथ में रखना है ताकि आपको कुछ नोट करना हो तो कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। काफी बच्चे आ चुके हैं, खुशी राजपूत हेलो बेटा हेलो। चलिए तो इसी के साथ हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सेट के बारे में कि सेट क्या है। तो बेटा सेट की अगर हम बात करें तो सेट की डेफिनेशन कहती है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहां पर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या एलिमेंट की बात करते हैं कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब बात आती है कि सर ये वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित चीज है क्या। वेल डिफाइंड शब्द का मतलब क्या बेटा, वेल डिफाइंड शब्द का मतलब यहां से है कि अगर आप किसी की बात कर रहे हो तो वो अच्छे से परिभाषित होना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि समय के चलते या लोगों के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो आपकी अल्फाबेट है उसके वॉवल्स का कलेक्शन, तो बेटा अगर हम बात करें अल्फाबेट के वॉवल्स यानी स्वरों का आपका अगर कलेक्शन की बात करें तो वो कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमेशा यही रहेंगे, यही सार्वभौमिकता है इनकी। कभी भी आप बात करो कि इंग्लिश अल्फाबेट के जो आपके वॉवल्स हैं उनका कलेक्शन, सब लोग यही कहेंगे कि भाई ए ई आई ओ यू, ये 5 एलिमेंट का कलेक्शन है, ठीक है। तो यहां पर कोई चीज बदल रही नहीं बदल रही। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि भारत के, जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड कप के टॉप 10 बैट्समैन, तो बेटा ये डिसाइड करना ये वेल डिफाइंड नहीं है। अभी यहां पर ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्यों, क्योंकि टॉप आप किस कैटेगरी में देखने जाते हो, रन के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से, स्ट्राइक रेट के हिसाब से, किस तरह से, ये सारी चीजें इसमें अपरिभाषित नहीं है, ठीक है। और अगर आप किसी से बात करो तो कोई और बताएगा कि ये टॉप 10 की लिस्ट है, कोई दूसरा बताएगा, तो ये मतलब नहीं है, वो आईसीसी निकालती है, उसकी बात अलग, वो वेल डिफाइंड होता है। जब आईसीसी जो देती है वो वेल डिफाइंड होता है अकॉर्डिंग टू आईसीसी, है ना, वो बात अलग है। लेकिन अगर रैंडमली आपसे पूछ दिया जाए तो आप नहीं बता सकते, आप तुरंत कहोगे कि भैया किस हिसाब से आप बताते हो, ठीक है। चलिए तो यहां पर बात होगी वेल डिफाइंड की, तो हम लोग बात करते हैं सेट्स की। तो जैसा कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था कि जो सेट्स हैं वो क्या है, एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है, ठीक है। तो जैसे कि हमने उदाहरण लिया कि एक सेट हमने ले लिया, वो बेटा सेट क्या है आपका, वो सेट है आपके अल्फाबेट्स के वॉवल्स का, यानी कि क्या है, ए ई आई ओ और यू, ये एक सेट्स है ना। इस सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, किसी भी
किसी मतलब अल्फाबेट के किसी कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट करते हैं, यूजली मतलब अक्सर प्रायः कैपिटल लेटर से ही हम समुच्चय को डिनोट करते हैं। ये हमारा समुच्चय ए है। समुच्चय ए क्या है? कलेक्शन है सभी वस्तुओं का। किन वस्तुओं का कलेक्शन है? इन पांच का। ठीक है, तो ये जो पांच वस्तु है ये क्या कहलाते हैं? ये बेटा कहलाते हैं एलिमेंट्स, अवयव। ठीक है, क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, मिस्टर हैंडसम रोस्टर, बेटा सारी बात करेंगे, रोस्टर मेथड की बात करेंगे, सेट वेल्डर मेथड की बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे, परेशान मत हो, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हम बात कर लें तो ये आपके क्या कहलाते हैं बेटा? ये आपके कहलाते हैं एलिमेंट्स, है ना, और ये जो बेटा आपका कहलाता है, ये आपका सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब इनका आपस में रिलेशन है, अगर हम रिलेशन दिखाएं, जैसे कि अगर हम बात करें कि इन इस सेट से संबंधित पांच तत्व कौन कौन से हैं, वो बेटा आपका ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये पांच तत्व हैं। तो इनका संबंध दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया जो ई है वो बिलोंग करता है ए से। ठीक है, ई जो है वो बिलोंग करता है ए से। इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, अगर आप इस तरह से लिख रहे हो, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, ये आपका क्या है? बिलोंग्स टू का सिंबल है, है ना। चलो, तो ई जो है बिलोंग्स करता है। अब अगर हम यहां ई के बाद अगर हम बात करें कि जैसे कि जेड लिख दें, तो जेड जो है वो डज नॉट बिलोंग, क्या होता है, ऐसा करके काट देते हैं, ये आपका ए से बिलोंग नहीं करता, यानी ए से ये संबंधित नहीं है। तो संबंध बताने का जो तरीका है बेटा वो क्या है, एलिमेंट को रखते हैं लेफ्ट साइड में और समुच को रखते हैं राइट साइड में, सिंबल लगाते हैं ये, इसका मतलब होता है, इसको एप्साइलन बोलते हैं, इसका मतलब होता है ई बिलोंग्स टू ए, ई जो है ए से संबंधित है, मतलब ई जो है ए का एक एलिमेंट या अवयव है। जो अवयव नहीं है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं क्रॉस से। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, तो ये अब बात करते हैं कि जैसे इसमें पांच है तो हम लोग यहां पर गिनती करेंगे सेट की, तो कार्डिनलिटी कहते हैं इसको, कहते हैं कार्डिनलिटी, जो कि क्या है? पांच। क्यों पांच लिखते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट, ये एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है? पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन सारी चीजें पढ़ लेते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं समुच्चय में। ठीक है, तो समुच्चय के जो एलिमेंट होते हैं वो कर्ली ब्रेसेस में रहते हैं आपके, और कॉमा के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, इनकी गिनती को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, जैसे कि इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब क्या? एन ऑफ ए का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि समुच्चय ए में एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? समुच्चय ए के अवयवों की संख्या, जो कि कितनी है बेटा? पांच है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, समझ गए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम किसे समुच्चय कहेंगे, किसे समुच्चय नहीं कहेंगे। समुच्चय की परिभाषा के हिसाब से अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड चीजें लिखी हुई हैं, तो समुच्चय है, यानी कि जो चीज ज्ञात करी जा सकती है एक स्टेटमेंट के थ्रू, जो चीज हम बता सकें वो समुच्चय होती है, बेसिकली नॉर्मल तरीके से हम यही कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रेसेस में कॉमा के द्वारा सेपरेट करके रखते हैं। ठीक है, और इसे इस तरह से डिनोट करते हैं। इनका संबंध दिखाने के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसे हम एप्साइलन कहते हैं इस चिन्ह को। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये आपको ये दिखाता है। ठीक है, चलो अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख रहे हो, तो सभी बच्चों को बताना है यहां पर कौन कौन से सेट एक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है या नहीं है। पहली बात करें, अगर हम कह रहा है कि भाई जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, क्या ये एक समुच्चय है? बताओ भाई, क्या ये एक समुच्चय है? जल्दी से बताओ भाई, क्या ये एक समुच्चय है कि नहीं है? ठीक है, तो यहां पर अगर आप कहोगे तो जे से बेटा तीन महीने आपके होते हैं, तो तीन महीने कौन कौन से होते हैं? एक तो जनवरी होता है, ठीक है, दूसरा बेटा आपका क्या होता है? जून होता है, और जुलाई होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेटा वेल डिफाइंड है ना, कि सिर्फ तीन महीने पूछें जो जिनकी शुरुआत जे से हो रही हो, तो बेटा वो जनवरी है, जून है, और जुलाई है, सभी लोग यही कहेंगे। कुल मिला के एक सार्वभौमिक है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है, ये चीजें बदल तो सकती नहीं है। कभी कभी बताओ आपके वर्ष के महीने के नाम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ जी सर, ये एक वेल डिफाइंड आपका सेट है। बात क्लियर हुई? ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। कह रहा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ये किसके अकॉर्डिंग है, क्या आप लोग किसका, क्या इसका पैरामीटर है चेक करने का, प्रतिभाशाली है या नहीं है, ये डिफाइंड ही नहीं है।
किसी को बताना कि ये प्रतिभाशाली है नहीं, कोई पैरामीटर है नहीं है, मतलब अगर हम आपसे पूछे तो आप बता ही नहीं पाओगे, ठीक है, कि प्रतिभाशाली लेखक कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपका एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो ये आपका सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर अगली बात है बेटा कि यहाँ पर कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यहाँ पर भी बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं है। या तो यहाँ पर ये कुछ कह दे कि भाई आईसीटी के साथ, और जो चीज समय के साथ बदल जाए वो कभी सेट हो ही नहीं सकती है। आज जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, क्या कल वो रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ये एक सेट नहीं है, ठीक है, ये एक समुच्चय का संग्रह नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो ये बेटा वेल डिफाइंड है। 100 से कम जो प्राकृत संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? 1 से लेकर के 99 तक की जो सभी संख्याएं हैं वो आपकी होंगी, ठीक है। तो यहां पर ये बेटा बिल्कुल वेल डिफाइंड हो गया आपका। तो ये आपका वेल डिफाइंड है, क्या है, 1, 2, 3, 4, 99 तक, ठीक है, 99। 100 नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर बोला गया है 100 से कम संख्याओं का। क्या बोला? 100 से कम, ठीक है। तो 100 से हमें कम लेनी है, 100 के बराबर नहीं लेनी है। बात समझ में आ रही है बेटा? यहां पर 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह एक वेल डिफाइंड हमारा सेट है, तो हम इसे सेट कह सकते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये बताओ, तो ये भी बेटा एक सेट है क्योंकि उनके द्वारा जितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं उतनी ही हैं, ये बिल्कुल सर्टेन है, ठीक है। तो ये एक आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, भले ही आपको उसके एलिमेंट ना पता हो, बट ये आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है कि उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी वो एक निश्चित है, वो उतनी ही रहेंगी, ना कम होंगी ना ज्यादा होंगी, समय के अनुसार वही रहेंगी। तो ये आपकी वेल डिफाइंड हो जाती है, तो ये भी आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों, तो समपूर्णांक बेटा क्या होते हैं आपके? समपूर्णांक मतलब 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो ये भी बेटा आपका क्या है? समुच्चय बन रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका कैसा समुच्चय बन जाएगा? ये बन जाएगा 2, 4, 6, 8 इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आपके समपूर्णांकों का समुच्चय बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि सर इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, वो भी बेटा निश्चित है, तो ये भी आपका सेट बन जाएगा, है ना, कि जो इसमें जो क्वेश्चन है इस अध्याय में उतने ही है, ना घटाए जा सकते हैं ना बढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें, कह रहा विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो ये भी बेटा आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने समझा कि भाई कौन सा सेट हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते। फिलहाल एनडीए में इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सिर्फ आपको समझाने का तरीका था कि भाई समुच्चय क्या क्या है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं यहां पर कि कुछ फिक्स सेट है हमारे पास, कुछ समुच्चय फिक्स है, इनको इनका कभी भी यूज आ जाता है, तो आपको यही समझना है, ठीक है। ये फिक्स सेट है, ये हमेशा सार्वभौमिकता है इनकी, कि ये हमेशा यही रहते हैं, इनमें ना कोई कमी होती कभी, ना बढ़ोतरी होती है। ये फिक्स सेट बेटा सिद्धार्थ मल्होत्रा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो, तो यहां पर बेटा जो फिक्स समुच्चय जो भी है वो कितने, एक एन है, एन को रिप्रेजेंट, ये यहां पर बता दिया गया, जैसे कि हमने नाम, ये सेट का नाम है एन, सेट का नाम है एन, इसका मतलब बेटा क्या हो जाता है, इसका मतलब आपका हो जाता है कि एन जो है वो बराबर है किसके बराबर है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, यानी कि 1, 2, 3, ……, इनफाइनाइट, ये आपके एन है। हमेशा कहीं पर भी अगर आपको एन समुच्चय लिख के आ जाए, तो एन समुच्चय का मतलब हमेशा समझ जाना कि नेचुरल नंबर्स की बात करी जा रही है। ये यूनिवर्सल सेट के तरह, यूनिवर्सल सेट एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट ये यूनिवर्सली हम कह सकते हैं, ये सब जगह इसे यूज करते हैं। गणित में कभी भी आपका क्वेश्चन लिख के आ जाए कि ए बिलोंग्स टू एन, तो समझ जाना कि ये नेचुरल नंबर्स की बात करी जा रही है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं यहां पर जेड के बारे में। जेड का मतलब होता है, जेड को देखो, जेड का मतलब होता है जेहलन, जेलन का मतलब होता है इंटीजर्स, ठीक है। तो जेड जो है किसका समुच्चय होता है बेटा? इंटीजर्स का होता है। वो इंटीजर्स आपके पास कैसे होते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव, दो तरह के इंटीजर्स होते हैं। तो यहां पर बेटा अगर हम बात करें तो जेड जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? माइनस इनफाइनाइट, 0 से लेकर के इनफाइनाइट। बट यहां पर जो है ना डेसिमल संख्याएं अगर नहीं आएंगी, बाकी सभी संख्याएं आपकी आएंगी, सभी पूर्णांक यहां पर आपके काउंट होंगे, ठीक है। सिमिलरली आपके पास यहां पर क्यू, क्यू बेटा रिप्रेजेंट करता है, क्यू का मतलब होता है कोसेंट, कोसेंट का मतलब होता है परिमेय संख्या, जो डिवाइड, अब ये यहां पर बात होगी परिमेय संख्या जो है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक है, लेकिन यहां पर डेसिमल संख्या भी आएंगी। यहां पर इन दोनों में इतना फर्क है, इसमें डेसिमल संख्या नहीं, इसमें सिर्फ पूर्णांक होंगे, और इसमें डेसिमल संख्या नहीं, दशमलव संख्याएं भी इसमें काउंट होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये जो R है ना, ये बेसिकली क्या है बेटा,
अब यहां पर क्या है, रियल नंबर्स में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं यहां पर रेशनल नंबर, ठीक है, और प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। तो परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं होंगी, उनका पूरा कलेक्शन जो है वो आपका हो जाएगा रियल नंबर्स, ठीक है, परिमेय अपरिमेय। जैसा कि यहां पर रूट थ्री नहीं आ पाएगा, यहां पर रूट थ्री काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो रियल नंबर्स में सब कुछ आती है, सभी प्रकार की जो भी संख्याएं हैं वो सब रियल नंबर्स में आपकी आ जाएंगी, ठीक। तो ये कुछ यूनिवर्सल सेट है। सिमिलरली जेड प्लस लगा दोगे, जेड माइनस लगा दोगे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को अलग अलग डिफाइन कर देंगी। सिमिलरली Q+Q- मतलब क्यू प्लस का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव परिमेय संख्या है, और क्यू माइनस का मतलब हो जाएगा नेगेटिव ऋणात्मक परिमेय संख्या है। सिमिलरली R+ मतलब सिर्फ और सिर्फ धनात्मक क्या वास्तविक संख्या है, ठीक है, धनात्मक वास्तविक संख्या हो जाएंगी, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये कुछ फिक्स सेट है, इनका यूज एडिटिव यूज होता है, क्वेश्चन में जब होगा तो मैं बता दूंगा कि भाई ये फिक्स सेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम लोग बात करते हैं कि सेट को निरूपण करने के जो तरीके हैं वो कितने हैं। तो सेट को बेटा दो तरह से निरूपित किया जा सकता है, वो बेटा क्या है, पहला है आपका रोस्टर और टेबुलर मेथड, यानी कि हम इसे रोस्टर या तालिका विधि भी कह सकते हैं। दूसरा मेथड है बेटा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्च निर्माण रूप, ठीक है, समुच्च, जो पिछले एग्जाम में पिछला है सभी को सॉल्व करेंगे सर, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे बेटा, सारे पिछले क्वेश्चन पीवाईक्यू मैंने कराए, इससे पहले मैंने सिक्वेंस एंड सीरीज है उसमें भी मैंने पीवाईक्यू आपके कराए हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन करवाए, ठीक है। बाकी जो सारे क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में करवाऊंगा, पहले एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, जब जैसे ही मेरे सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे तो एग्जाम से दो महीने पहले सारे पीवाईक्यू करवा दूंगा जो भी अब तक एंडियम पूछे गए। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और कुछ नए जो पीवाईक्यू पूछे गए उन पर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद लास्ट में सारा कुछ कर लेंगे रिवीजन जब करेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें बिल्कुल सिस्टम से करनी है, एकदम से नहीं, अगर अभी सारा कुछ कर लोगे तो आपका चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा। तो हमें सब कुछ लेकर चलना है, पहले हमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है, उसमें हम लोगों ने डेली दो दो क्लास पीवाईक्यू की कर लेंगे जो लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद जब लास्ट में हमारा एनडी का एग्जाम होगा अप्रैल में, तो फरवरी या मार्च स्टार्टिंग से हम लोग कर लेंगे पीवाईक्यू सारे, ठीक है, उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो सारी चीजें होंगी बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल परेशानी बिल्कुल मत लो, लेकिन पढ़ने आओ, ठीक है। बीच में अगर भागोगे आओगे जाओगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला, जहां पढ़ो बिल्कुल कंसिस्टेंट होके पढ़ो, क्योंकि फिर एकदम से वही फ्लो चलता रहता है। कुछ चीजें यहां पढ़ी कुछ यहां चढ़ी, पता लगा कि कोई मेन टॉपिक था वो ना यहां पढ़ पाए ना वहां पढ़ पाए, है ना, तो ये मिस हो गया आप सभी से, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो बात करते हैं रोस्टर और टेबुलर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि जैसा कि नाम में है कि टेबुलर फॉर्म मतलब हम इसमें एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिख देते हैं। रोस्टर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग फिनिट सेट लिख सकते हैं, यानी कि परिमित सेट, परिमित समुच्च को लिखने का तरीका है, परिमित समुच्च, ठीक है, अपरिमित भी लिख सकते हैं, देखो किस तरह से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देना है। पहले हम लोग यहां पर लिख लेते हैं रोस्टर, और यहां पर लिख लेते हैं सेट बिल्डर, ठीक है। इंग्लिश में हिंदी में बात एक ही है, समझे, मतलब समझो, इंग्लिश हिंदी यहां पर मत करो। यहां पर सेट बिल्डर मेथड कहते हैं तो कहते हैं, मेथड का ज्यादा यूज नहीं है, कहीं पर भी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं समझा देता हूं लिखने का तरीका। रोस्टर मतलब ये, अब जैसे कि अगर हम कोई रोस्टर में हमने कुछ ये लिखा, रोस्टर हमने लिख दिया बेटा क्या, हमने लिख दिया एक कोई सेट है और उसमें कुछ ये एलिमेंट लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये हमने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, किसमें लिख दिए बेटा, रोस्टर में लिख दिए। अब इसको अगर हमें सेट बिल्डर रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे, इसको किस तरह से डिफाइन करोगे, इसको कई रूप से आप लिख सकते हो, इसको देखो किस किस तरह लिख सकते हो। आप देख रहे हो कि ये प्राकृत संख्याएं हैं, देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, एक से शुरुआत हो रही है, पूर्णांक है तो प्राकृत संख्याएं हैं, कहां तक है बेटा 5 तक है। तो आप इसे इस तरह से बेटा लिख सकते हो कि a बराबर, ठीक है, a बराबर, यहां पर हम लोग चर का यूज करते हैं, ऐसा लिखते हैं कि x सच दैट x, ये सच दैट की लाइन होती है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, कि n से बिलोंग करता है, कि n x क्या है बेटा, n से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर है, और एंड कंडीशन लगा लोगे x जो है वो छोटा है 6 से, ठीक है, x जो है 6 से छोटा है।
या दूसरी कंडीशन यहां पर लिख सकते हो, दूसरी कंडीशन क्या लिख सकते हो कि x जो है छोटा या बराबर है 5 से। दो कंडीशन, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, दोनों ही आपके सही होंगे। ठीक है, अब मतलब इसका क्या है कि जब आप इसको ओपन करोगे, इसकी कंडीशन के हिसाब से जब चीजें लिखोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही 5 एलिमेंट प्राप्त होंगे, सिर्फ और सिर्फ यही 5 एलिमेंट आपको प्राप्त हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं, चलो उसके बाद बेटा बात करते हैं कि हम कोई एक और सेट ले लेते हैं बी बराबर। ठीक है, अब यहां पर हम लिख लेते हैं जैसे कि 2, 4, 6, 8, ... इनफाइनाइट तक हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको लिखने का क्या तरीका है? अब इसमें देखो यार, साफ साफ आपको एक चीज दिख रही है, ये सभी बेटा सम संख्याएं दिख रही हैं आपको। क्या दिख रही है? सम संख्याएं यहां पर आपको सभी दिख रही हैं, दिख रही हैं। कहां तक है? इनफाइनाइट तक है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लिखने का क्या तरीका है? इसको आप लिख सकते हो बी बराबर एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स बराबर 2n, सॉरी ये नहीं, यहां पर ऐसे लिखोगे x बराबर 2n है वेयर n बिलोंग्स टू n, ये लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर मतलब क्या कि x का जो मान है वो 2n के बराबर है, जहां पर n सभी प्राकृत संख्याएं। अब रख दो बेटा n की वैल्यू, कोई भी प्राकृत संख्या रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, वही सेम वैल्यू यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, वही सेम वैल्यू, क्योंकि n की वैल्यू कहां शुरुआत होती बेटा? 1 से शुरुआत होती। n बराबर 1 आएगा तो x बराबर 2 आएगा, n बराबर 2 तो x बराबर 4, n बराबर 3 तो x बराबर 6, यही आपको मिल जाएगा। तो लिखने की सिर्फ विधियां हैं दो, है ना, बाकी अब जब क्वेश्चन आएंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर सारी चीजें हो जाएंगी। सिर्फ ये समझ लो कि ये आपका रोस्टर मेथड है और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म एक स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया जाता है विद कंडीशन। ठीक है, जिसको अगर हम जिस कंडीशन पर अगर हम काम करें तो हमें जो एलिमेंट्स मिलेंगे उन एलिमेंट्स को अगर हम कर्ली ब्रेसेस में लिख दें तो वो हमारा बन जाता है रोस्टर फॉर्म। सिर्फ इतना मतलब है, इतना ही समझना है, एंड में जितना समझना है उतनी बात हमें अभी करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, चीजें समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फटाफट से टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सेट्स अगर नहीं पता है तो आगे आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि वहां पर सीधे सीधे बोल देंगे कि ये सेट है, आपको पता ही नहीं सेट है तो उसकी कंडीशन क्या पता होंगी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं यहां पर। टाइप्स ऑफ सेट क्या है? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नल सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो, कोई अवयव ना हो। ठीक है, अब ओके सर, अगर कोई अवयव नहीं है तो इसका कहानी क्या है? इसकी कहानी आगे समझ में आती है जब हम लोग करते हैं संक्रियाएं, ऑपरेशंस करते हैं जब सेट में, तब इसका मतलब समझ में आता है। ये आपका कहलाता है नल सेट। ओके सर, एक एग्जांपल दे दो। एग्जांपल क्या होगा? ऐसी कोई भी, जैसे अगर हम बात कर दें कि कोई भी दो से बड़ी समभाज्य संख्या का समुच्चय, अगर हम आपसे कह दें कि दो से बड़ी समभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो बताओ कोई कोई संख्या है जो दो से बड़ी हो, सम हो और अभाज्य हो? तो दो से बड़ी सम संख्या 4 है, 6, 8 है, बट कोई भी अभाज्य नहीं है, तो मतलब आपको कुछ नहीं मिला। आपने जो कंडीशन रखी उसके हिसाब से आपको कुछ मिला ही नहीं, तो मतलब वह समुच्चय जो आप जो डिजायर है, जो आपकी डिजायर है, वो रिक्त समुच्चय की है। उसमें कोई अवयव अगर नहीं आ पा रहा है तो उसे कह देते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन है, जैसे कि यहां पर अगर हम इसको जो लिखने का जो तरीका है, वो लिखने का तरीका बेटा क्या है? लिखने का तरीका है हमेशा, अगर ए रिक्त समुच्चय है तो इसे इस तरह से लिख देंगे, या फाई लिख देंगे, या हम ए बराबर इस तरह से छोड़ देंगे, दो कर्ली ब्रेसेस लगा के छोड़ देंगे, अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं। अगर अंदर आपने एक डॉट भी लगा दिया ना, तो ये रिक्त नहीं होता, फिर उस डॉट को हम लोग एज ए एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे, मतलब एक एलिमेंट बन जाएगा, तो फिर वो आपका रिक्त समुच्चय नहीं रहेगा, ये बिल्कुल खाली रहेगा। इसके अंदर आप कुछ भी रखोगे वो एलिमेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, आप डॉट रखो, आप कॉमा अगर आपने रख दिया, अगर आपने कुछ भी रख दिया, तो उसको हम लोग एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये बिल्कुल ब्लैंक रहना चाहिए। तो इसको जो रिक्त समुच्चय है उसको डिनोट करने का तरीका या तो फाई है, या तो तुम ऐसे डिनोट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अब यहां पर आपको एक एग्जांपल दे दिया गया, जैसे एग्जांपल क्या दिया गया कि भैया 90 और 96 के बीच में एक प्राइम नंबर इनको चाहिए, तो 90 और 96 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं बेटा? 91 आ रहा है, 92 आ रहा है, 93 आ रहा है, 94 आ रहा है, और ये सभी जो है प्राइम नहीं है, ये सभी प्राइम नहीं है। 13 7 91 है, ये डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है, और ये आपका 2 से डिवाइड है।
तो ये एक भी प्राइम यानी अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब अगर हम तुमसे कहें कि 90-96 की बताओ प्राइम संख्या, तुम कहोगे होती ही नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मतलब रिक्त है, और रिक्त है तो मतलब रिक्त समुच्चय। ऐसी चीजों का रिक्त चीजों का जो समुच्चय है वो आपको रिक्त समुच्चय कहलाता है, जिसमें कुछ भी ना मिले आपको। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल तो समझ लेते हैं। एग्जांपल हम आपकी तरह एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन बेटा ये है आपका। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, बोला जा रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है, तो बताओ भैया इसमें से कौन सा रिक्त समुच्चय है, कोई बता पाएगा बच्चा? ठीक है, इनमें से बताओ भाई क्या रिक्त समुच्चय है, देखते हैं कौन कौन बच्चा समझ पाया है रिक्त समुच्चय के बारे में। ठीक है, तो फटाफट से आंसर अपना कमेंट देखो करते रहा करो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो सर नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर आ रहा है तो अपना आंसर कमेंट करो। मिस्टर हैंडसम क्लियर है, ओके ठीक है बेटा क्लियर है। तो यहां अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा बेटा रिक्त समुच्चय है, ये बताओ आप, है ना, रिक्त समुच्चय आपको बताना है। तो देखो अगर बात करें हम, बहुत से बच्चे देखो यहां पर पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में कह रहा कि x such that x belongs to R, x रियल नंबर से बिलोंग करता है और 4x²-1=0 है, तो 4x²-1=0 को सॉल्व करोगे तो 4x²-1=0, तो ये बेटा आपको मिल जाएगा 4x²=1, तो ये बेटा आपको दे देगा x=1/2±। तो ये x के दो मान दे रहा है, प्लस और माइनस, प्लस 1/2 -1/2, और ये दोनों ही रियल नंबर से बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, x कहां से बिलोंग कर रहा है बेटा, रियल नंबर, यानी x का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वह कोई भी जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को भी। तो भैया x के ये दोनों मान है, ये दोनों रियल नंबर से संतुष्ट, यानी कि इसके इसका जो आप बनेंगे दो एलिमेंट आ जाएंगे 1/2 -1/2। तो बेटा इसमें तो दो एलिमेंट आ गए इस समुच्चय में, इस समुच्चय के अंदर दो अवयव आपके आ गए, तो ये तो रिक्त हुआ नहीं, रिक्त का मतलब कुछ हमें मिले ही ना, वही तो रिक्त होता है। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, x such that x belongs to n, यानी x एक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या से बिलोंग करता है, और x इज ऑड एंड x+3 is even। चलो ठीक है भाई, देखते हैं, कह रहा है कि x इज ऑड, x एक विषम हो और x+3 एक सम हो, तो भैया वो सभी विषम संख्याएं जो है इसके बन जाएंगी, सभी जो है विषम प्राकृत संख्याएं हैं इसके सेट बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे कि अगर हम x को ऑड लेते हैं, x=1 लिया तो भैया x+3 क्या आ जाएगा बेटा, 4, 4 एक बेटा सम संख्या रही, अगर हम ये 3 लेंगे तो 6 आएगा, ये 5 लेंगे तो 8 आएगा, हमेशा x ऑड लेने पर x+3 हमेशा इवन ही तो आएगी, हमेशा इवन ही तो आएगी, तो ये बेटा सभी संख्याओं का बेटा समुच्चय बन जाता है। तो यहां पर ये जो सेट बनेगा आपका क्या बन जाएगा बेटा, 1, 3, 5, 7, ……. तो ये भी बेटा आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, ये भी रिक्त समुच्चय, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, अनंत एलिमेंट है, बात समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले सेट की, तीसरे वाला सेट कह रहा है x such that x belongs to R, x एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है और x² की जो वैल्यू है √3 से कम होनी चाहिए। तो भैया देखो x² की वैल्यू जो है वो √3 से कम होनी चाहिए, इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो √3 से कम होनी चाहिए। तो बेटा x √3 से सब वैल्यू बहुत सारी, सारे निगेटिव नंबर्स जो हैं, सारे निगेटिव नंबर्स √3 से छोटे हैं, तो यानी कि इसके भी बेटा बहुत सारे इसके भी एलिमेंट्स बन जाएंगे, यानी कि ये जो एक सेट बनेगा वो कहां से बनेगा, −∞ से लेकर √3 तक। ठीक है, √3 से सारे जो छोटे हैं सभी इसके इससे बिलोंग करेंगे, बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं यहां पर इसके बारे में, कह रहा कि x belongs to R और x² is less than 1। ठीक है, x² belongs to R और x² जो है 0 से छोटा होना चाहिए। अब ये देखो ये कंडीशन आ गई कि x² का जो मान है वो 0 से छोटा हो। ठीक है, यहां पर मतलब क्या है, x² की जो वैल्यू है वो 0 से छोटा हो, मतलब x² कोई ऋणात्मक वैल्यू हो, x² की जो वैल्यू है वो कोई निगेटिव नंबर। ठीक है, तो यहां पर जो x की वैल्यू आएगी बेसिकली क्या आ जाएगी, अब 0 से छोटा है तो मतलब x की वैल्यू सारी निगेटिव नंबर्स आएंगे, सारे निगेटिव नंबर्स मान लेते हैं कोई माइनस ही आया तो x = क्या आ जाएगा, √-a। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनी है आज तक, ऐसी कोई वास्तविक संख्या ही नहीं है, ऐसी कोई वास्तविक संख्या है कि जिसका स्क्वायर एक ऋणात्मक संख्या हो जाए, बताओ ऐसी कोई संख्या है कि जिसका स्क्वायर यानी कि वर्ग एक ऋणात्मक संख्या मिले, पॉसिबल ही नहीं है। तो
तो मतलब नहीं पॉसिबल है, तो आपका यही जो समुच्चय है आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, ये समुच्चय जो है आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा, करेक्ट आंसर ये। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, अगर वो वास्तविक है, काल्पनिक में होता है, काल्पनिक में हो जाएगा, आई ए आई करके बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी आपको, लेकिन रियल संख्या यानी वास्तविक संख्या जो है आपकी कोई नहीं मिलेंगी जिनका वर्ग जो है एक ऋणात्मक संख्या आ जाए। बात समझ रहे हो ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको बड़ा परेशान करेंगी अंग, इसलिए समझ लो। ठीक है, तो याद रखो कभी भी किसी भी वास्तविक संख्या का जो वर्ग होगा, घन हो सकता है, वर्ग कभी नहीं होगा। सिमिलरली ऐसे पावर चार कभी नहीं हो सकती है, तो कुल मिला के जो ऑड है वो हो सकती है, इवन घात में कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई, तो ये चीज हमेशा नोट रखना कि कभी किसी संख्या का जो वर्ग है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होने चाहिए। अब एक्स स्क्वायर जीरो छोटे का मतलब क्या है कि जो वो वर्ग है वो ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, आगे कंडीशन। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक टाइप का पढ़ा है, जो पढ़ा है नल सेट यानी कि रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय के बाद आता है बेटा सिंगलटन सेट। क्या आता है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक समुच्चय, एक अवयव हो, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसकी कार्डिनलिटी एक हो, यानी एक समुच्चय हो, एन ए बराबर एक हो जाए, तो वो ऐसा समुच्चय बेटा क्या कहलाता है? आपका कहलाता है सिंगलटन, यानी कि इकाई समुच्चय या एकल समुच्चय। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, जैसा कि डेफिनेशन समझ गए होगे। उदाहरण देख लो भैया, एक्स सच दैट एक्स प्लस टेन बराबर जीरो, जहां एक्स जो है बिलोंग्स करता है जेड से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो x का मान बेटा क्या माइनस दस आ जाएगा। अब माइनस दस जो है वो पॉजिटिव, तो z का मतलब क्या होता है? z बेटा है यहां पर क्या कहते हैं, हाँ, x का सिर्फ एक मान आएगा माइनस का दस, जो कि z से यानी कि आपका रियल से पूर्णांक से बिलोंग कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक मान हो सकता है x का यहां पर माइनस दस। तो यहां पर इस सेट का जो मान है वो बेटा क्या आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा माइनस का दस। ठीक है, तो ये एक अवयव आ रहा है, यहां पर भी एक अवयव है, तो ये दोनों जो ए और बी हैं ये क्या कहलाएंगे बेटा? सिंगलटन सेट कहलाएंगे, एकल समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, एक एलिमेंट से। उसके बाद बात करते हैं फिनिट सेट के बारे में। फिनिट सेट मतलब परिमिति से समुच्चय। परिमिति समुच्चय मतलब ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या की गिनती की जा सके। अब कहोगे सर कैसे? तो सिंपल सी बात है, किसी में अगर 5, 10, 15, 20 अगर हम जिनके गिन पा रहे हैं, अनंत तक नहीं है, वो सभी फिनिट सेट होते हैं। फिनिट सेट जैसे कि आपके बता दें कि भैया साल में जो है महीनों का समुच्चय। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अल्फाबेट में आपके लेटर्स का समुच्चय, अगर हम बात करें अल्फाबेट में वॉवल्स का समुच्चय, अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट्स का समुच्चय, तो ये सारे समुच्चय जो है फिनिट सेट है। फिनिट मतलब जिनके अवयवों की गिनती आसानी से की जा सके। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें इनफिनिट सेट की, यानी कि जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बेटा क्या एक से लेकर अनंत तक होते हैं? गिनती कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जो भी आप बताओगे उसके उसमें प्लस एक जोड़ो, अगली गिनती आ जाएगी। तो कुल मिला के ऐसे सेट की गिनती नहीं की जा सकती है, वो इनफिनिट सेट कहलाते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर्स आपके पूर्णांक यानी जेड है, क्यू है, जो आपके फिक्स सेट बताए थे वो मोस्टली सभी इनफिनिट है, जबकि फिक्स सेट बताए थे एन जेड क्यू और डब्ल्यू, ये सारे डब्ल्यू बेटा होल नंबर का होता है, यानी जीरो से लेकर के सारे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये सारे जो आपके समुच्चय हैं, ये बेसिकली क्या है? ये सभी समुच्चय आपके इन्फिनिट हो जाते हैं, जबकि फिनिट सेट में जो है ऐसे समुच्चय आते हैं जिनकी गिनती की जा सके आसानी से, वही है। जैसे कि यहां पर दिया गया है ए बराबर 1, 2, 3, 4, हम आराम से गिन पा रहे हैं, हम गिन पा रहे हैं इनके अवयवों की संख्या, तो ये फिनिट सेट हो गया, यानी परिमित समुच्चय हो गया। अब अपरिमित में हम लोग गिन ही नहीं पा रहे, नेचुरल नंबर का सेट है, गिन के बताओ भाई, बता पाओगे? नहीं कि बता पाओगे, कभी कभी नहीं बता पाओगे। ठीक है, हाँ, इनफिनिट सेट का मतलब ऐसे जिनके अनंत अवयव हैं, जिनकी गिनती नहीं करी जा सकती है, और जिनकी गिनती करी जा सकती है आसानी से, वो फिनिट सेट हो गए। सिंपल सा फर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा इसी के साथ। अब हम बात करते हैं यहां पर इक्विवेलेंट सेट के बारे में। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? और नीचे देखो इक्वल लिखा है, दोनों में बहुत फर्क होता है। इक्विवेलेंट सेट बेटा ऐसे समुच्चय होते हैं जो दो समुच्चय में अवयवों की संख्या समान हो। बात समझना, अवयवों की संख्या समान हो, अवयव समान हो या ना हो, मतलब बात यह है कि अगर ए सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर हैं, तो वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय। ठीक है,
तो जैसा कि ए सेट जो है आपका क्या ए बी सी डी है, तो कार्डिनलिटी एन ए बराबर बेटा क्या आ रही है, बेटा 5 आ रही है। बी बराबर 1 3 5 7 9 है, इसकी भी कार्डिनलिटी यानी कि कितने सेट आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, सॉरी 5 आ रहे हैं। तो देखो 5 बराबर 5 है, तो ये ए और बी क्या कहलाएंगे, ए और बी कहलाएंगे समतुल्य समुच्चय, यानी कि समतुल्य समुच्चय यानी कि इक्विवेलेंट सेट। ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं कहलाएंगे। देखो यहां पर ये इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ए बराबर बी, ये ए बराबर बी नहीं है, ये ए बराबर बी नहीं है, लेकिन एन ए बराबर अगर एन बी है तो ये समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दोनों समुच्चय के बराबर है, और समुच्चय के अंदर अवयव कुछ भी हो हमें नहीं मतलब है, बराबर है, गिनती बराबर है, वजन बराबर है, तो बस ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई, गिनती अगर बराबर है अवयवों की तो समतुल्य समुच्चय। अब बात कर रहे हैं कि इक्वल का मतलब इक्वल हो, मतलब गिनती के साथ साथ जो समुच्चय है वो भी वही होने चाहिए। अगर यहां पर दो समुच्चय और बी कहलाते हैं, तो ए का प्रत्येक अवयव बी के बराबर हो। जैसे कि अगर हम बात करें कि ए बराबर ए बी सी, ठीक है, और बी बराबर अगर हम बात करें सी बी और ए, तो यहां पर बेटा कहलाता है ये ए बराबर बी, से लिखने का ये तरीका है ए बराबर बी। ठीक है, और ए बराबर अगर बी है तो एन ए बराबर एन बी तो होगा ही, ये भी होगा, साथ में ये भी होगा, क्योंकि गिनती भी बराबर होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, कि भैया अगर a बराबर b है तो n a बराबर n b तो होगा ही। ठीक है, और क्यों है, क्रम इनका अलग है, जैसे बहुत से बच्चे कहेंगे सर a b c नीचे c b, क्रम अलग हो सकता है, बाकी एलिमेंट वही है ना जो यहां है, एलिमेंट तो अलग नहीं है, यहां पर c है, यहां पर भी c है, यहां पर b, यहां पर b है, यहां पर a है, तो यहां पर भी a है, तो ये दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे, बराबर के सेट कहलाएंगे दोनों। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को, कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछ सकते हो, बता सकते हो कि हाँ जी सर यहां पर दिक्कत है। ठीक है, लेकिन क्लास को देखो ढंग से पढ़ो, मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ बच्चे आज आ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप लोग बिल्कुल जब तक पूरी क्लास नहीं देखोगे तब तक मजा नहीं आएगा। स्टार्टिंग में दो मिनट देखने से समझ में नहीं आता कोई चीज कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, चलो तो ये सारे बात होगी, इक्विवेलेंट सेट की बात होगी, इक्वल सेट की बात होगी, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर सबसेट के बारे में। अब सबसेट क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय जैसे कि आप बात कर रही उप की, तो मतलब क्या है कि जब किसी एक समुच्चय के सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय से भी बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, तो हम कह देते हैं कि ये जो सेट है वो दूसरे वाले का उपसमुच्चय है। एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, यहां पर बात करते हैं, जैसे कि यहां पर हम बात करें, कह रहा है यहां पर कि ए एंड बी अगर दो सेट हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पर देखो बात है, अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है बेटा वो ये है, ये जो सिंबल है इसे कहते हैं सबसेट, ये बताता सबसेट, और जो U की तरफ है, जैसे ये है जहां पे दो मुंह खुला होता है, ये मेन सेट होता है, इसका ए सबसेट है। ये लिखने का तरीका बेटा क्या है, ये अगर ऐसे करके लिखा, इसका मतलब ए जो है ए सबसेट है बी का। ठीक है, अब नीचे आप लोग देख रहे हो कि यहां पर एक चीज और लिखी होगी सुपरसेट, सुपरसेट का मतलब अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, या हम ये भी कह सकते हैं जो बी है वो सुपरसेट है ए का, अगर उल्टा पढ़ लें। ठीक है, इसका सेम मतलब ये भी हो सकता है, अगर ऐसे लिख दिया जाए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, यहां पर हम ये कह सकते हैं बी जो है सुपरसेट है ए का, या ए सबसेट है बी का, ये सबसेट का सिंबल या सुपरसेट का, दोनों बस मूव कर जाते हैं उल्टा। ठीक है, बात समझ में आई, तो अगर हम कह रहे हैं ए सबसेट है बी का, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी है वो सुपरसेट है ए का। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहां पर देखो ध्यान से, ये चीज समझने वाली है बहुत अच्छे से, ये चीज बहुत अच्छे से समझने वाली है, कि अगर हमने बताया कि भाई a बराबर अगर एलिमेंट है आपके पास 1, 2, 3, 4 और b बराबर है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो दो चीजें अभी इसमें एक बात और निकल के आएगी प्रॉपर सबसेट के बारे में, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर इक्वल का साइन लगा रहता है, बेसिकली सिर्फ अगर ये लगा दोगे, अभी प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे तो वहां पर सिर्फ ये लगा रहेगा। अभी इसका मतलब बताएंगे क्या, देखो ध्यान से समझना,
यहां पर अगर हम बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे कि ए की कार्डिनलिटी ज्यादा है बी से, ए में चार एलिमेंट है और बी में पांच एलिमेंट है, तो यानी कि बी, तो कुल मिला के ए के सारे वो सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के पास अगर हैं, सभी एलिमेंट्स एक, एक अगर बी के पास कुछ एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं, ये दोनों अगर बराबर भी है तब भी ए जो है सबसेट कहलाएगा। फिर ये अगर देखो दोनों में बराबर बराबर है, अगर ए बराबर बी हो जाता है, अगर ए बराबर बी हो जाता है तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के सुपरसेट हो सकते हैं। लेकिन अगर बराबर नहीं है, लेकिन ए के सभी एलिमेंट अगर बी में है बट ए और बी बराबर नहीं है, तो फिर ये कहलाता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अभी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं कि भैया जो ए है, ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि बी, बी सबसेट है, बी सबसेट है नहीं है का, बी सबसेट नहीं है का, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां से क्या कर दें बेटा, पांच हटा दें, अगर हम यहां से पांच हटा दें, यानी कि ए बराबर जब बी हो जाएगा, तो भैया ए, ये भी कंडीशन सही है और ये भी कंडीशन सही है, ये दोनों चीजें सही है, ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन आपकी सही है, ठीक है। ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का। अब इसके उल्टे की बात करें, सबसेट को अगर हम लोग सुपरसेट की बात करें तो देखो वही चीज है, सिर्फ सिंबल चेंज कर दिया, बी जो है सुपरसेट हो गया ए का, ठीक है, बी जो है वो सुपरसेट हो जाता है ए का। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो बी सुपरसेट है ए का, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा फर्क है, यहां पर प्रॉपर सबसेट जब पढ़ोगे, यहां पर देखो ये प्रॉपर सबसेट है, यहां पर बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है। प्रॉपर सबसेट तब होता है, प्रॉपर सबसेट की कंडीशन होती है कि प्रॉपर सबसेट अगर ए बी है तो इसका मतलब है कि एन ए जो है, एन ए जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए एन बी से, तभी ये कंडीशन बनती है। आप लोग देख रहे हो कि जब हमने यहां पर पांच लगाया था, एक एक एलिमेंट और बढ़ाया था, पांच लगा दिया था, तब जो है हमारी कंडीशन प्रॉपर की बन रही थी। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है बराबर ना हो, बराबर ना हो। तो एक चीज और कह सकते हैं कि जैसे कि अगर हम बात कर लें कि एक एक जो पास एलिमेंट है, एक है, दो है, तीन है, चार है, ठीक है, तो अब इससे कई सारे सबसेट बन सकते हैं, इस सेट के कई सबसेट हो सकते हैं, जैसे कि फाई हो सकता। अब एक चीज और बता दें, अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिक्त समुच्चय फाई, तो फाई जो है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, फाई तो होता ही होता है, प्रत्येक समुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय फाई यानी नल सेट जरूर होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय जरूर होगा, चाहे वो सिंगलटन सेट हो उसका भी होता है, ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल मैंडेटरी नॉट एलिमेंट, ठीक है, बात समझ रहे हो। यहां पर क्या है कि यहां पर बेटा कंडीशन जो आपकी है, यहां पर ए और बी बराबर हो सकते हैं तो सबसेट कहलाएंगे, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, फिर वो प्रॉपर नहीं कहलाएगा, ठीक है, फिर वो सिर्फ सबसेट होगा, प्रॉपर नहीं होगा अगर ए बराबर बी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर बात करते हैं प्रॉपर सबसेट में, प्रॉपर सबसेट में देखो यहां पर ये साफ साफ लिखा है कि अगर हमारे पास ए, अगर ए कोई सेट है, अगर ए कोई सेट है तो वहां पर उसका एक ए कोई सेट है जो कि ये है, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं टोटल, इसके कितने सबसेट टोटल बन सकते हैं, तो टोटल सबसेट हो सकते हैं दो की पावर एन। यहां पर देखो बताया गया है कि दो की पावर एन जो है वो हो सकते हैं टोटल सबसेट किसी के भी। अब टोटल सबसेट कैसे हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें कि ए बराबर एक दो तीन है, ए के पास बेटा तीन एलिमेंट है, एक दो तीन, ठीक है, इसके कुल कितने सबसेट हो सकते हैं, देखो हम बताते हैं, अगर हम बता दें ए बराबर है एक दो तीन, तो इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, इसके सबसेट की संख्या हो सकती है, देखो सबसे पहले तो फाई यानी कि नल सब आएगा, फिर ये इसका एक सबसेट बनेगा, एक इसका ये सबसेट बन सकता है, एक इसका ये सबसेट बन सकता है, एक इसका 1.3 बन जाएगा, एक इसका 2.3 बन जाएगा, ठीक है, और कितने हो गए देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, और इस और क्या बन जाएगा, एक इसका 1.3 तो 2.3 हो गया, उसके बाद हाँ 1.2 बन जाएगा, ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो होगा वो 1.2.3, टोटल कितने बनने चाहिए, आठ बनने चाहिए, तो एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात है, आठ, टोटल आठ सबसेट हो सकते हैं मैक्सिमम, कितने, आठ सबसेट, जिसमें ये खुद भी काउंट हो जाता है, देखो यहां पर सबसेट में खुद भी काउंट हो जाएगा 1 2 3, ठीक है।
लेकिन प्रॉपर सबसेट जो होते हैं बेटा वो 2 की पावर n माइनस 1 होते हैं। प्रॉपर सबसेट बेटा कितने होते हैं? 2 की पावर n माइनस 1। क्यों एक कम क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां पर जो खुद एक था वो यहां पर काउंट नहीं होगा। देखो यहां पर एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात ही बनेंगे। तो बात समझ गए, थोड़ा सा फर्क है सबसेट और प्रॉपर सबसेट में। फर्क क्या आ रहा है कि सबसेट में इक्वल सेट भी काउंट कर लोगे, लेकिन प्रॉपर सबसेट में इक्वल सेट को हम लोग काउंट नहीं करते। तो यहां पर क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछे जाते हैं कि सबसेट की संख्या बताओ, प्रॉपर सबसेट की संख्या बताओ। सबसेट मतलब उपसमुच्च, प्रॉपर सबसेट मतलब उचित उपसमुच्च की संख्या बतानी है। ठीक है, बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं हम पावर सेट के बारे में। ये पावर सेट क्या होता है? तो पावर सेट बेसिकली देखो क्या है कि जैसे कोई समुच्चय ए है, तो ए समुच्चय बेटा यहां पर क्या हम बात करते हैं कि भाई ए एक समुच्चय है जिसमें तीन एलिमेंट है, 1, 2 और 3। पावर सेट क्या होगा? अब पावर सेट को डिनोट करने का तरीका बेटा ये है P ऑफ A। ये पावर सेट डिनोट करने का तरीका है। ए का पावर सेट ये, इस पी ए का मतलब है कि ये ए का पावर सेट है। अब पावर सेट में एलिमेंट्स क्या होंगे? पावर सेट में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं ये देखना। तो बेटा जितने भी इसके सबसेट बन सकते हैं, उन सभी नंबर ऑफ सेट के जो अगर हम एलिमेंट बना दें, तो इस तरह से यानी कि इन सभी उपसमुच्चयों के संका संग्रह जो समुच्चय होगा वह आपका घात समुच्चय कहलाता है। मतलब समझे? देखो अब हम बात करें यहां पर इससे कितने सबसेट बन सकते हैं। तो सबसे पहला तो एक सबसेट फाई बनेगा। अब ये जो सबसेट है यानी उपसमुच्चय है, इनको हम एज ए एलिमेंट अवयव अगर कंसिडर कर लें तो उनसे बना समुच्चय हमारा कहलाता है घात समुच्चय यानी कि पावर सेट। ठीक है, तो यहां पर देखो ए के उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं? ए के उपसमुच्चय एक तो फाई होता है, ठीक है। दूसरा बेटा क्या होता है? ये आपका होता है 1। तीसरा क्या होता है बेटा? 2 होता है, 3 होता है, फिर आपका क्या हो जाएगा बेटा? फिर आपका हो जाएगा 1, 2, फिर आपका हो जाएगा 1, 3, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 2, 3, फिर कॉमा हो जाएगा आपका 1, 2, 3। ठीक है, तो कितने एलिमेंट देखो ध्यान से देखना है। यहां पर एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, छठवां एलिमेंट, सातवां एलिमेंट और आठवां एलिमेंट। ये तो टोटल आपके पावर सेट में कितने अवयव बने? जितने नंबर आप इसके हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें यहां पर तो नंबर ऑफ पावर सेट के एलिमेंट कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n, जहां पर n क्या है? जहां पर बेटा n क्या है? n है ये कार्डिनलिटी है आपके समुच्चय की। ठीक है, तो ये बराबर 2 की पावर n आ जाएगा जहां पर n क्या है? n ऑफ a। बात समझ रहे हो? ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है। अब अगर हम उपसमुच्चयों को एलिमेंट बना लें, समझ लें एलिमेंट, समझ लें अवयव, समझ लें और उनका समुच्चय बना लें, तो वो उसे हम बेटा कहते हैं घात समुच्चय। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है समझने के लिए। सिंपल सा बात है कि किसी भी समुच्चय के हम उपसमुच्चय पहले बना ले। अब जितने उपसमुच्चय बने उनको हम एज ए एलिमेंट कर ले कि नहीं अब ये एलिमेंट, अब ये समुच्चय नहीं एलिमेंट है, उनका संग्रह बना ले, वो कहलाता है घात समुच्चय। समझ गए? तो ए का घात समुच्चय ये है और जिसके ये एलिमेंट है और ये सारी चीजें लिख दी गई। तो उपसमुच्चय कितने होंगे इसके? 2 की पावर n होंगे। तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे? 2 की पावर n होंगे। सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? घात समुच्चय। बहुत आसान से चीजें। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा वक्त हो चुका है क्विज का। तो आज हम लोगों ने अभी तक जो कुछ सीखा उस पर करते हैं क्विज। तो आज देखो बेसिक टर्म्स हैं सारे, हमने सेट के जो बेसिक टर्म्स होते हैं यानी कि नंबर कितने तरह के सेट्स होते हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं। आगे हम लोग करने वाले हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमारा क्विज का वक्त हो गया है। क्विज में हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे लोग, जितने भी बच्चे यहां पर देख रहे हो, है ना, सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट से इसका आंसर बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो कुछ सीखा बहुत आसान सा क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड है। जल्दी से बताओ भाई, कह रहे द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1, 2, 3। यार उतनी तरह से इसी की तो बात कर रहे हैं हम लोग। सबसेट, प्रॉपर सेट और पावर सेट, तीन चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है। सबसेट, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट।
ठीक है। इन तीनों में कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया गया कि भैया पावर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है। हाँ, सोनपाल ऑफिशियल, जहन बेटा जहन, ठीक है, टू पावर एन वेन एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, सही बात बेटा, ठीक है। तो यहां पर देखो प्रॉपर सबसेट की बात करें तो देखो हमने बताया था कि सबसेट यानी कि सबसेट जो होंगे वो कितने होंगे, सबसेट की संख्या हमेशा होती है 2 की पावर n, ठीक है। प्रॉपर सबसेट की संख्या बेटा कितनी होती है, प्रॉपर सबसेट की संख्या होती है 2 की पावर n-1, ठीक है। और नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, वो 2 की पावर n होते हैं। तो यहां पर बेटा आपसे प्रॉपर सबसेट पूछा गया, सबसेट तो पूछा नहीं गया, तो सिंपल सी बात है कितने एलिमेंट है, 3, n बराबर बेटा क्या है 3 है, तो बस यहां पर रख दोगे 2 की पावर 3-1, यानी कि 7 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट बेटा कितने हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे, बात समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, ऑप्शन बेटा सी आएगा, डी बेटा होगा अगर प्रॉपर ना होता, अगर सिर्फ सबसेट, अगर हम प्रॉपर हटा लें, पूछे द नंबर ऑफ सबसेट, तो फिर आपका 8 हो जाएगा। यही तो मैंने फर्क बताया दोनों में, एक बार फिर से देख लो, देखो यही फर्क है। प्रॉपर सबसेट में क्या मैंने बताया था कि जो स्वयं का जो ये है, ये जो स्वयं एक सेट आ जाता है, ये फिर प्रॉपर में नहीं आ पाता है, ठीक है। इसलिए हमेशा प्रॉपर में एक कम रहता है, ठीक है। सबसेट की संख्याओं से प्रॉपर सबसेट की संख्या हमेशा एक कम रहती है, बस, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय यानी नल सेट पूछा गया है, तो बताओ इसमें से नल सेट कौन सा है। काफी कंफ्यूजिंग है यार ये, ठीक है, तो फटाफट से बताओ क्या होगा नल सेट, जल्दी से बताओ, देख के बताने वाला है भाई, ये देख के बताने वाला है। तो है कोई बच्चा, है कोई टैलेंटेड बच्चा जो बता पाए कि हाँ इनमें से नल सेट कौन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी बच्चे लोग क्या इसका आंसर बाद में कमेंट में करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो मैंने बताया कि मैंने भी बताया था कि जब इस पावर पढ़ा रहे थे कि अगर ये इसके अंदर अगर हमने कुछ भी लिख दिया, डॉट कॉमा वो कुछ भी लिख दिया, तो फिर वो हमारा नल सेट नहीं होता है। फिर क्या होता है, वो नल सेट नहीं होता है। तो अगर कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये नल सेट है, तो बिल्कुल गलत है, ये नल सेट नहीं है। अब इसके अंदर देखो ये चीज लिख दी गई है, तो ये भी आपका नल सेट नहीं है। इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है, तो ये भी आपका नल सेट नहीं, बल्कि इनको एज ए हम एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे कि ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। इसको देखते हैं, एक्स सदर एक्स स्क्वायर प्लस वन, जहां एक्स आर से बिलोंग करता है, तो सॉल्व करो बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन आ रहा है, तो एक्स बराबर बेटा क्या आ जाएगा, रूट माइनस वन। पहली चीज तो ये हमने बताई था कि किसी भी वास्तविक संख्या, अगर एक्स वास्तविक संख्या है, अगर एक्स वास्तविक संख्या है, तो इसका जो वर्ग होगा वो कभी निगेटिव नंबर नहीं होता है। तो मतलब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसका वर्ग ऋणात्मक है, मतलब यही आपका नल सेट होगा, ठीक है, समझ गए। चलो तो आज के लिए बेटा इतना ही है ना, मिलते हैं कल शाम को 6 बजे फिर से, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।